तो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मनराज रेस्टोरेंट में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नीरो हाय करो। कर रहा है ठीक है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको हमारे YouTube चैनल मनराज रेफ्रिजरेशन में थर्मोस्टेट के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि थर्मोस्टेट को किस तरीके से चेक करते हैं फ्रेंड। और ये देखिए, हमारे पास वर्लपूल का थर्मोस्टेट है और ये हमने आपके लिए अपने जो कबाड़ी है और भी जो जगह है वहाँ पे जो रखे थे वो सब लाए। ये गोदरेज का थर्मोस्टेट देख सकते हैं, फाइबर बॉडी वाला। एक्चुअली ये भी सादे थर्मोस्टेट जैसे होता है और ये भी हमारे पास ये वर्लपूल का है। तो फ्रेंड, हम सब आपको बताने वाले हैं किस तरीके से चेक करते हैं। ये एक प्रकार का सेंसर होता है जो कि आइस ज़्यादा होने पे कट ऑफ हो जाता है और इससे हम जैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें एक डिफ्रॉस्ट मोड पे एक नाप लगा होता है जिसे हम डिफ्रॉस्ट मोड पे डालते हैं। और ये देखिए, इसमें एक बेलो होता है, बेलो से हम ये कट ऑफ हो जाता है। तो अभी हम आपको इसका टेस्टिंग बताएंगे कंटिन्यूटी से। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं हो तो उससे भी आसानी से हम कंटिन्यूटी से चेक कर सकते हैं। तो गाइस, हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। और हमारे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और भी नया नया वीडियो आपके लिए ला सके, जिससे कि हमारा प्रोत्साहन बढ़े। हमारी पोटली हम इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट इसे चेक करने के लिए ये मिल गया। ये देखो, कंटिन्यूटी से चालू करके देखती, ये देखो कंटिन्यूटी दिखा रहा है। कंटिन्यूटी अगर दिखाता है तो ये सही है। ये इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है वैसे ये बीच में कम लगा दिया जाता है और ये कम ज़्यादा है। देखो, डिफ्रॉस्ट मोड पे अगर इसे अपन दबाते हैं तो ये डिफ्रॉस्ट मोड पे चला जाता है। और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर ये आपने सीख लिया इजी तरीके से तो आप किसी भी प्रकार का फ्रिज का, डिफ्रीजर का, सभी प्रकार की चीज़ों का थर्मोस्टेट बदल सकती है। ये एक प्रकार का सेंसर होता है जो कंट्रोल करता है पावर को और कूलिंग को भी। और इससे कंप्रेसर की लाइफ बढ़ती है क्योंकि जिस प्रकार से अपना शरीर को रेस्ट मिलता है, अगर अपन ने थर्मोस्टेट का सही तरीके से उपयोग किया तो इससे अपना कंप्रेसर की वैल्यू बढ़ती है। और प्रत्येक, और ये देखिए, ये देख रहे हैं हम, बहुत इजी है दोस्तों। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, कंटिन्यूटी दिखा रहा चालू है। जैसे कंटिन्यूटी दिखा रहा तो चालू थर्मोस्टेट होता है। सिर्फ कट ऑफ होना भी ज़रूरी है। अगर कट ऑफ नहीं हो रहा तो समझो हमारा थर्मोस्टेट बिटवीन हो चुका है और ख़राब हो चुका है। तो आप देख सकते हैं, ये बहुत ही आसान है इसे चेक करना। इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं लगता है। और इसी तरीके से हम किसी भी प्रकार से इसको चेक कर सकते हैं और फुल कर सकते हैं। ये इसे दबाए तो ये, और अगर अंदर चला गया तो इसे निकाल करके फ्रिज चालू हो जाता है। मतलब एक नाब होता है इसमें और बीच में, और सिंगल रेफ्रिजरेटर में नाब और बीच में एक डिफ्रॉस्टिंग का बटन होता है, बाकी कुछ नहीं रहता फ्रेंड्स। इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें प्रोत्साहित कीजिए तो हम आपको और भी चीज़ें बताएंगे। जिस अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है, इजी तरीके से अपन कंटिन्यूटी से भी इसे चेक कर सकते हैं। ये अभी ऑफ पोजीशन पे किए तो ये नहीं दिखा रहा है, ऑन करने पे दिखा रहा था। और बॉडी शॉट भी चेक कर सकते हैं इससे, हालांकि बहुत कम थर्मोस्टेट होते हैं जिसमें बॉडी शॉट होती है। तो फ्रेंड, थैंक यू, हमारे साथ इसी तरह बने रहिए और हमें प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।